नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई से रिलेटेड क्राइम। आजकल पता है भाई, सोशल मीडिया पे क्राइम सबसे ज्यादा चल रहा है। वो क्राइम तो हालांकि आने वाले टाइम पे कम होगा, जिसमें एक दूसरे की लाठी मारना, पत्थर मारना, तलवारबाजी करना, ये तो कम हो जाएंगे। और आने वाले क्राइम कौन से होंगे? ये होंगे डिजिटल क्राइम। जी हाँ साथियों, आपको घर बैठे आपके चूना लगाना, एक तरह से समझ सकते हैं। इस क्राइम में आपको ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि एक बार घाव लग जाता है ना, उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी कमाई को उड़ा लेते हैं ये लोग, जिसको हैकर्स की दुनिया बोल सकते हैं। जी हाँ, यूएई में भी आंकड़े तेजी से फैल रहे हैं, बहुत ये अच्छी बात नहीं है। यूएई जैसी एक बढ़िया कंट्री, वहां पे क्राइम बहुत कम है, या मान लो 2-3%, उसको भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। बता दूं, इसमें एक आंकड़ा निकल के सामने आया है कि 95% ये जो क्राइम करते हैं, ऑनलाइन बैठे बैठे फ्रॉड करते हैं, ये एशियन कंट्रीज के लोग हैं। जी हाँ, अब एशियन कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा तो भाई इंडियन, पाकिस्तानी यही हैं, बाकी बंगाली, नेपाली भी हैं। अब एशियन का डाटा हालांकि सरकार के पास तो है दुबई में, कि एशियन में कौन सी कंट्री के लोग ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, हालांकि वो ये डाटा सार्वजनिक नहीं करते। हो सकता है जब टाइम आएगा तब करेंगे, लेकिन जो डेटा निकल के आया, बता दूं 8,000 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया है जो इन संदिग्ध गतिविधि में पाए गए थे। जी हाँ, 400 शिकायतें दर्ज हुई थी, उनमें से 86 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले महीने दिसंबर की बात करें तो। जी हाँ, सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, आप यूएई में रहते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि लगभग वर्कर हैं उनकी वहां पे अकाउंट होते हैं दुबई यूएई में, तो अकाउंट के रिलेटेड हम बात करेंगे, इनसे बचने का तरीका बताएंगे। अगर आपके साथ घोटा कुछ हो जाता है फ्रॉड, तो उसने का बचने का क्या तरीका, वगैरह वगैरह डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा सा फंडा है भाई, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा, सेम प्रोसेस सेम ही होता है। ऑनलाइन ठगी के लगभग तरीके सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। यूएई में क्या होता है कि फर्जी नंबरों से आपको कॉल किया जाता है। अब मजदूर टाइप के, आपको पता है दुबई में तो जो अनपढ़ है उसका भी अकाउंट है, जो पढ़े लिखे उनके भी अकाउंट है, तो उन लोगों का आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, आपका आपका आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा इमरेट्स आईडी से रिलेटेड, या फिर आपका कंपनी का अकाउंट वगैरह ब्लॉक हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे एक वन टाइम ओटीपी आता है, वो ओटीपी हमें दे दीजिए, और ओटीपी देने के साथ आपका अकाउंट पूरा खलास हो जाता है। सेम इंडिया में होता है, सेम वर्ल्ड में, पूरे में ऐसे ही हो रहा है। जी हाँ, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि यूएई की बैंक, या बैंक तो कोई भी कंट्री के हो, आपको फोन के करके या मैसेज करके आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी वगैरह नहीं मांगती है, आपके अकाउंट का ब्यौरा नहीं मांगती है। खासतौर से आपका जो कार्ड बना होता है, आई कार्ड बोल सकते हैं, आईडी कार्ड बोल दो, इमरेट आईडी बोल दो, उसके नंबरों से भी चीटिंग कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप पूरा सिस्टम तो इमरेट्स आईडी से बनता है, दुबई में आप रह रहे हैं, वी में रह रहे हैं, तो क्योंकि अकाउंट तो उसी से चलते हैं, आपके बैंक अकाउंट उसी से खुलता है, लेन देन उसी से होता है, हर जगह आप काम करोगे तो वो पहले आपको देना होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि सरकार ने 2020 में एक कैंपेन भी चलाया था, धोखेबाजी से बचें। जी हाँ, धोखेबाजी का शिकार नो, इस तरह से टाइटल से कैंपेन चलाया गया था, लोगों को बताना वगैरह वगैरह, वर्कशॉप भी जगह जगह लगाए थे वहां की पुलिस के द्वारा। भाई पुलिस ने भी ये सावधान बरतने की बोला है कि इन चीजों का ध्यान रखें, कोई ओटीपी नहीं दें, आपके साथ ऐसा लगता है तो आप बैंक से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, पुलिस ने काफी घोटालेबाजे लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे उगलवाया भी होगा पुलिस ने, किस तरह से क्या क्या है, तो फिर वो पूरा नेटवर्क ही एक तरह से जाम हो जाता है। यानी एक दो तो 15-20 बंदे आ जाते हैं ना, तो उनकी कुटाई होती है, तो पूरा राज बोल देते हैं, हमारे वहां वहां बंदे, इतने बंदे बैठे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह से तो आराम से पकड़ में आ जाता। यूएई फेडरल लॉ, जो यूएई का लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर धारा 33 में ये प्रावधान किया गया, अगर इस तरह से फ्रॉडबाजी कोई करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको 2 साल की सजा है, 20,000 दुबई दिरहम उसका जुर्माना लगता है। हालांकि ये इतना ज्यादा है नहीं, जितना जिस तरीके से वो लोग ठगी का काम करते हैं। अब देख लीजिए भाई, बचने का तरीका क्या है, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी है वो देख सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके साथ, आपको लगता है कि आपके साथ घोटाला हो चुका है, यानी हो चुका है, आपने ओटीपी दे दिया या कुछ भी, आपके अकाउंट से पैसे कट गए वगैरह वगैरह, सबसे पहले आपको बैंक में फोन करके ये न्यूज देनी है कि सर मेरे इस अकाउंट से कोई लेन देन नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, अगर होता है तो उसको रोकने की कोशिश करें, तो बैंक स्टॉप कर देगी तुरंत प्रभाव से। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन आपके पास पुलिस का बसता है, आपके नियरेस्ट पुलिस थाना है, वहां पे आपको जाके वो कंप्लेन आपको दर्ज करवानी होगी। जी हाँ, फिर वहां का एक 901 एक नंबर है, हॉट नंबर, हॉटलाइन बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में नंबर होते हैं वैसे,
तो उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी पूरी डिटेल बता सकते हैं और वहां से आपको पूरा मार्गदर्शन मिल जाएगा। भाई आप इस तरह से आपके साथ अगर ठगी हुई है तो ये स्टेप करें ताकि आपके आगे कोई भविष्य में न हो या फिर आपका पैसा रिटर्न करने की कोशिश की जाए। ई क्राइम प्लेटफॉर्म पर भी इसकी सीधा एप्लीकेशन ईमेल के द्वारा भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। पूरी यूएई में ये एक अच्छा ऑप्शन सरकपुल यूएई पुलिस ने उपलब्ध करवा रखा है कि वे स्मार्ट पुलिस स्टेशन आपको जगह जगह मिल जाएंगे जहां पे आप गए तुरंत अपनी एप्लीकेशन डाली वो तुरंत उसका रीसेट तुरंत आपको उसका फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उससे जल्दी कार्रवाई की जाती है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है। तो बस साथियों इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी कोई भी जैसे आपके साथ कोई घटना होती है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है तो उनसे बचिए। आपको धमकाया जाता है, आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, आपका ये बंद हो जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन उन टेंशन ने लेके आप डायरेक्ट बैंक से संपर्क करेंगे इनकी बजाय तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।